subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. ये रिश्ता क्या कहलाता में आने वाला है इमोशनल सीन, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार अब मनाया जाने वाला है गोयनका परिवार वालों के बीच, क्योंकि नक्श की बहन नायरा वापस आ चुकी है तो कीर्ति भी आने वाली है नक्श के कहने पर। जब नक्श करेगा कीर्ति को कॉल कि नायरा जिंदा है और उसका एक बेटा कारव भी है। जब कीर्ति इस खबर को सुनते ही दौड़ी भागी आएगी अपनी भाभी से मिलने और कार्तिक की कलाइयों में राखी बांधने के लिए। जी हाँ, पिछले 5 सालों से कीर्ति और कार्तिक के बीच कुछ अनबन चल रही है और इस अनबन का अंत इसी रक्षाबंधन होने वाला है, जहाँ आने वाली है कीर्ति और गोयनका परिवार वालों में खुशियों भरा माहौल छाने वाला है, क्योंकि कारव को लेकर इस वक्त सभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी कारव के डॉक्टर की वजह से घर में खुशियों भरा माहौल ही होगा और त्योहारें मनाए जाएंगे और सेलिब्रेशन होगा। इसी सेलिब्रेशन में रक्षाबंधन के खास मौके पर कीर्ति आकर कार्तिक की कलाइयों पर राखी बांध कर मांगेगी नायरा का हाथ। जी हाँ, वो वेदिका को नज़रअंदाज करते हुए कह देगी कार्तिक से कि मेरी भाभी नायरा है और नायरा ही रहेगी, जिससे बहुत ज़्यादा दुख होगा वेदिका को। तब आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.